नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के नूरपुर रोड पर सरदार ढाबे से एक ट्रक चुराने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीते दिनों कुछ चोरों ने लखनऊ से रुड़की जा रहे तंबाकू और पान मसाला से भरे ट्रक को सरदार ढाबे से चुरा लिया था और उसमें रखा सारा माल बेच दिया था। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर हल्द्वानी क्षेत्र के कड़ापुर नहर जंगल के पास से चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही तीन अभियुक्त अभी भी फरार हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से दो तमंचे, दो चाकू, चार मोबाइल फोन, चोरी का ट्रक, तंबाकू के 38 बोरे आदि बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धनवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, थाना हल्द्वानी के नूरपुर रोड पर सरदार ढाबे पर एक ट्रक चोरी हुआ था जिसमें पान मसाला और तंबाकू था। 12 तारीख को अभियोग पंजीकृत हुआ था। मॉडस ऑपरेंडी यह था कि जो अपराधी थे वो भी ट्रक से थे। इन्होंने मौका देख करके ढाबे पर खाना खाते समय चालक हरिश्चंद और परिचालक राजेश को ओवरलुक करके ट्रक चोरी करके माल अपने ट्रक में ट्रांसफ़र करके माल को बेच दिया हापुड़ क्षेत्र में। स्थानीय पुलिस सर्विलांस टीम द्वारा चार अभियुक्तों को नईम, जावेद, फारूक, वसीम को गिरफ्तार किया है। तीन वांछित हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से दो तमंचा, दो चाकू, दो ट्रक तंबाकू और पान मसाला के 38 कार्टन बोरे बरामद किए गए हैं। कीमत लगभग 75 से 80 लाख रुपए का। इस सराहनीय काम के लिए पुलिस टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। चूंकि यह सारे अभियुक्त अलग अलग क्षेत्र के हैं, ज़्यादातर हापुड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, इंटर स्टेट गैंग भी इसका पंजीकृत किया जाएगा और हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।